हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए पतंजलि का नीम का साबुन बनाने की रेमेडी लेकर आई हूँ। बिल्कुल घर पे इजी तरीके से आप नीम का साबुन पतंजलि के स्टाइल में बना सकते हैं। तो चलिए रेमेडी देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले लेना है हमें नीम का पाउडर। अगर आप चाहें तो आप पेड़ से तोड़कर भी नीम की पत्तियां ले सकते हैं, उसे ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पाउडर लिया है। ये लिया है मैंने एलोवेरा। तो एलोवेरा अगर आप नेचुरल एलोवेरा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर नेचुरल एलोवेरा लिया है, बड़ा सा उसका एक टुकड़ा लिया है। इसे हम अच्छे से काट लेंगे और हमें ग्राइंड करना है इसको मिक्सर में। जो इसका पल्प है वो हम निकाल लेंगे और मिक्सर में उसे ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है नीम के साबुन के क्या फ़ायदे हैं? नीम के साबुन से ना आपकी जो स्किन होती है वो अंदर से क्लीन होती है, एंटी बैक्टीरियल होता है। और अगर आप इसे यूज़ करते हो तो मतलब स्किन में ना और बॉडी में भी इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत कम होता है। और नीम में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो आपको पता है, ठीक है, जो दाग धब्बों को हमसे दूर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है एलोवेरा को। अब ये आप इस पाउडर में डाल देंगे। एक टुकड़ा थोड़ा मोटा सा हो गया, उसे निकाल लेंगे बाहर, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें जो भी ये जो गांठे पड़ जाती है ना, लम्ब्स जो होते हैं, उन्होंने नहीं पड़ने चाहिए। इसके बाद डालेंगे हम फ्रेंड्स इसमें इवियन का 400 mg के 2 कैप्सूल डालने हैं। तो मैंने ये दोनों कैप्सूल डाल दिए हैं। और इसके बाद हमने डालना है इसमें गुलाब जल, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा थिन पेस्ट बनाना है। तो हम डाल देंगे गुलाब जल। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके सारे लम्ब्स तोड़ेंगे, ठीक है, जो गांठें बन रही हैं, और एक अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें लेना है ये ग्लिसरिन बेस सोप है, जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। और ये ना बकरी के दूध से बना हुआ सोप है, गॉट मिल्क, ठीक है। आप बहुत तरीके के आते हैं सोप बेस, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसके ना हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि नीम में होता है विटामिन ई, ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इससे क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है ना उसमें चमक भी आती है, और ये ना हमारी स्किन में एक्ने नहीं होने देता, दांत खाज खुजली से भी हमें बहुत दूर रखता है, पोर्स को भी बंद करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ देख लीजिए एक बर्तन रख लिया था, उसमें हम उसको रख देंगे मेल्ट करने के लिए साबुन को। तो ये देखिए मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमने पैक बनाया था ये साबुन हम सारा इसमें डाल देंगे मेल्ट करके, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बिल्कुल साबुन इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। ये मोल्ड ट्रे है साबुन की, तो हम ये जो हमने बनाया है पैक नीम का वो इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा, और मैंने इवियन के 2 कैप्सूल डाले हैं। तो इस तरीके से हम ये मोल्ड ट्रे में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें ना इसे 4 से 5 घंटे रखना है सोप बनने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सोप बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी तरीका है, पतंजलि की रेसिपी है, ये रेमेडी है, सॉरी। ये देखिए बन गया आपका नीम का साबुन। अब आप इसे अच्छे से अपनी बॉडी क्लीन कीजिए। जो बॉडी में भी हमारे दाने हो जाते हैं ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फेस के लिए बहुत, जिनके मुहासे हो जाते हैं, कील हो जाती है जो फेस पे, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत एक ना बूस्ट मिलता है, एक बहुत, मतलब आपको ना एक बटन ही दबाना है, कोई पैसे नहीं लगने हैं आपके बटन दबाने के। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकॉन होता है उस जो वो घंटा लगा होता है ना पास में, उसको भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास आए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।